अब ये नॉर्मली जो है वो 1 साल का अगर वर्क परमिट होता है तो आप इसके 1 साल के बाद की दे सकते हैं डेट ना, 2024 और 09 और आप दे दें 10, ठीक है ये दे सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट का डालना है, यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका, ठीक है सर, जो भी है पासपोर्ट का, फॉर एग्जांपल B89502 फॉर एग्जांपल, ये ऐसी मैं डाल रहा हूँ कोई भी चीज़ अदर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आज़म खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास, जिन्होंने पोलैंड का वर्क परमिट जो है ना वो हासिल किया है और वो जो है अब अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पोलैंड एम्बेसी से अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूँ। और नंबर टू, इन द एंड मैं जो है पोलैंड एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके आपको थोड़ा बहुत समझाऊँगा भी कि आप कैसे जो है ना वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि मेरे जो भी देखने वाले हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनमें से मोस्टली, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ये एफ़र्ट्स कर लेंगे तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा हो जाएगा और फिर मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने लगूँगा। ऑल दो कि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आपको कि जैसा कि आपको पता है कि मैं लग्जमबर्ग में रहता हूँ और यहीं पर ही, तो जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन मेरी इनकम जो है वो आप ये समझ ले 1 मंथ की इनकम जो है ना, मैं मेरी वो एक घंटे की इनकम के बराबर है जो मैं मतलब यहाँ पे जो काम करता हूँ उसके ना। तो मैं पैसों के लिए तो इतना नहीं बनाता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा मकसद ये था कि आपको सही से सही यूरोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहले जो है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो पोलैंड के किसी एम्प्लॉयर का जॉब ऑफ़र हो और उसने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हो, तो वो लोग जो हैं वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि वो कि अपॉइंटमेंट का जो है वो प्रोसेस कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पहले जो था पोलैंड एम्बेसी VFS के थ्रू जो है ना वो अपॉइंटमेंट ले सकते थे आप ना, लेकिन अब उन्होंने जो है वो डायरेक्ट प्रोसीजर कर दिया है। आपको जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी आपके कंट्री में जो भी करीबी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, पोलैंड एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसे ई कॉन्सुलेट भी कहा जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू पर आपका प्रोसेस आगे होता है। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हेन एंड हाउ आई कैन रजिस्टर फॉर अ वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट विद द पोलिश एम्बेसी। तो दोस्तों, ये जो था प्रोसेस शुरू हो गया है 26 जून 2024 से, और अपॉइंटमेंट के लिए जो है ये ई कॉन्सुलेट में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ये अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल हैं अगस्त के लिए जो है वो ड्रॉ करेंगे, और 1 जुलाई 2024 को आपको पता चलेगा कि कब आपका नंबर है। अच्छा, कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ना पोलैंड एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ई कॉन्सुल जो है वेबसाइट ई कॉन्सुलेट करके, और उसके ऊपर आपको अपना कंट्री चूज़ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेंगी, और फिर जब आप फिलअप करके आप उसको सबमिट कर देंगे फॉर्म को, तो आपको जो है ना वो ईमेल आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि 48 आवर्स में वेरीफाई करना पड़ेगा आपको ईमेल, अदरवाइज़ जो है वो आपको, अगर आप अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको फिर जो है दोबारा ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म भरने का जो तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में जो है आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत ना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द ई कॉन्सुलेट वेबसाइट।
अच्छा, तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने वर्क परमिट जो इशू किया है उसका नंबर चाहिए, ठीक है, और इशू डेट चाहिए, और अदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चाहिए होती हैं, और आप जो कि जेन्युइन हो और आपको जो है आपने सही से फिल की हो, और आपको अवॉइड करना है कि कोई भी जो है गलती आप ना करें, वरना डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सिलसिले में जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस आफ्टर आई वेरीफाई माय डिटेल्स ऑन द ई कॉन्सुलेट वेबसाइट। तो इसके लिए दोस्तों ये है कि जब आपका ईमेल आपका आ जाएगा और आपने वेरीफाई कर दिया और सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपका एम्प्लॉयर जो है वो जेन्युइन है, तो जो है आपको फिर जो है एम्बेसी सेलेक्ट करेगी अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर आपको अपने कंट्री के जो भी सेंटर आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया में मुंबई है और न्यू दिल्ली वगैरह है, तो जहाँ पे भी आपने चूज़ किया कॉन्सुलेट उधर जाके आपको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों अब जो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई दिस न्यू प्रोसेस बेनिफिशियल फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। वेल, इसकी वजह ये है कि दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है ना वो जब VFS के थ्रू अप्लाई करते थे तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, और जो है आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी एजेंट की भी और VFS की भी। तो इस चीज़ को, इस एक्स्ट्रा बर्डन को हटाने के लिए सो नाइस ऑफ पोलैंड गवर्नमेंट, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है कि वो ई कॉन्सुलेट वीज़ा जो है ना के लिए अपॉइंटमेंट वो जो है आपको इशू करेंगे, तो ये वजह है इसकी। दोस्तों इस सिलसिले में हमारे पास सिक्स क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट शुड आई बी कॉशियस अबाउट व्हेन रजिस्ट्रेटिंग ऑन द ई कॉन्सुलेट वेबसाइट। दोस्तों इसका सबसे बड़ा ये है, आपको कॉशियस होना है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो भी जिसने भी जो है वो आपको वर्क परमिट या ऑफ़र लेटर जो है वो इशू किया वो जेन्युइन होना चाहिए, कोई जाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप पोलैंड में किसी लॉयर से अगर कॉन्टैक्ट करें, एजेंट का तो मैं नहीं कह सकता, कोई ऑथेंटिक लायर से, और वो आपको जो है ना इस चीज़ के बारे में बताए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपको किसी ने जाली लेटर इशू किया होगा तो आप क्या जब एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो वो जो है फ्रॉडुलेंट उसके अंदर आ जाएगा, और एम्बेसी वाले जो है ना वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे और आपको जो है ना वो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी आप फिलअप कर रहे हैं अपने फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। दोस्तों इस सिलसिले में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन द लक्की ड्रॉ फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो जनाब इसके लिए ये है कि जैसे ही आपको जो है ना वो ईमेल मिलता है, आप उसको वेरीफाई करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट जब डेट मिल जाएगी तो आपको जो है आपकी जो नियरेस्ट एम्बेसी जहाँ से आपका अपॉइंटमेंट आया है वहाँ उसको जाके विज़िट करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने जो है उसमें सबमिट किए हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके अंदर ना। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप जो है इंटरव्यू में कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई वैसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बस सिर्फ उनको ये है कि वो जेन्युइन होनी चाहिए चीज़ें, और इंक्लूडिंग वर्क परमिट वगैरह, तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी हैं। दोस्तों अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि जनाब अब आपको VFS के थ्रू अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको एक्स्ट्रा फीस और ये जो है ना हेडेक जो है वो नहीं होती, अब आपको डायरेक्ट जो है ना वो पोलैंड एम्बेसी में जो अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी चीज़ के जो है ना प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ईजी है बहुत, एप्लीकेशन आप खुद फिलअप कर रहे हैं तो आपको डर नहीं है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि देखें, डिसएडवांटेज ही समझ लें इसको कि अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं होता है तो आपको जो है ना वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं आपको ना,
और फिर जो है आपको ज़ाहिरी बात है जो है ना वीज़ा नहीं मिलेगा, तो ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जेन्युइन होने चाहिए, अगर जेन्युइन होंगे तो फिर आप जो है वो कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, एडिशनल टिप्स क्या हैं जनाब? स्टे अपडेटेड, यानी आप जो है ऑलवेज जो है वो पोलैंड की जो है एम्बेसी उसकी वेबसाइट को विज़िट करते रहें, अपडेटेड रहें, ठीक है। और जितनी भी अगर जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है तो आप अपने सही से जो भी डॉक्यूमेंट जो है आपको सही से प्रिपेयर करें उसके लिए, और रिक्वायरमेंट जो है उसको डबल चेक करें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो को आपको करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आपको चलता हूँ लेके अपने लैपटॉप पर, और थोड़ा सा जो है वो पोलैंड एम्बेसी के जो एप्लीकेशन, जो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको विज़िट करवा दूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, पहले हम वेरीफाई करेंगे, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है। मैं इस साइट पे हूँ, तो हमें इंडिया से अगर अप्लाई करना है पोलैंड के वर्क वीज़े के लिए, तो हम इधर आ गए और ये क्या लिखा है, सिक्योर योर ट्रैवल विद शेंगन कंप्लेंट ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। अच्छा, ये टेक मी टू द वेबसाइट, यानी इसका मतलब है VFS के ऊपर नहीं है। हाँ, ये VFS के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूज़ में, देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखें, 26 जून 2024, इम्पॉर्टेंट, देर इज़ न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ क्लिक हेयर। ओके, मैंने ये क्लिक किया तो इसने हमें जो है ये पोलैंड की एम्बेसी में भेज दिया। और ये देखने, वर्क वीज़ा न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रॉम 26 जून 2024, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन इज़ कैरिड आउट वाया द ई काउंसलेट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि नया प्रोसीजर है, ई काउंसलेट सिस्टम के थ्रू आपको जो है वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा इसने एक्सप्लेन किया, आप पढ़ सकते हैं। फ्रॉम 26 जून 2024, ऑल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड थ्रू ई कॉन्सुलेट, ठीक है। डेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सबमिट वीज़ा एप्लीकेशन एट द सिलेक्टेड VAC विल बी असाइंड वाया एन इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्लीकेशन जब आप वो कर देंगे तो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होगा, और वो जो है 1 जुलाई को होगा, जिस जो कि आपको अगस्त के अपॉइंटमेंट देगा। दोस्तों अब हम जो है ई कॉन्सुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना सर। और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे ले आया है, इसको हम बेहतर, हाँ इंग्लिश में ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब हम जिस कंट्री से अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं क्या इंडिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब इंडिया में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई और एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हम जो है मुंबई पे जाके देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये तो एड्रेस है इसका, और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई एक्सेप्ट शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हु आर रेजाइडिंग इन आंध्र प्रदेश, दमन एंड दियो, दादरा नगर हवेली और सो ऑन, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब यहाँ से जो है ना, ये जो है आपको यहाँ के लोग जो है बम्बई में अप्लाई कर सकते हैं, और ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर जो होगा वो दूसरी जगह के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये है नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म, ठीक है सर। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पे ले आया है नेशनल वीज़ा बुकिंग द डेट ऑफ द विज़िट, ठीक है। अब हम ये कैप्चा जो है इसको करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या मांग रहा है भाई, प्लीज़ क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड बट नॉट वेयरेबल, ठीक है। तो हम, मुझे तो यही नज़र आता है, आई होप कि सही हो, ठीक है, नहीं है। प्लीज़ क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ ह्यूमन मेड बट नॉट वेयरेबल, क्या है यार, ठीक है, ये हो गया, सही है। तो हमने कैप्चा क्लियर कर लिया। अब उसके बाद जो है दोस्तों ये आ जाता है सारा, आप देख सकते हैं, मेक एन अपॉइंटमेंट, प्लीज़ चूज़
अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू टू सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सारे आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सबमिट करने हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो टाइप ऑफ सर्विस जो भी होगा आपके नेशनल वीज़ा फॉर वर्क, ऑब्वियसली फॉर वर्क है आपके। लोकेशन आपने लिख देनी है मुंबई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, सही है। दोस्तों जब हमने क्लिक किया तो एरर आ रहा था, लेकिन मैंने दोबारा उसको किया तो सही था, सब जो भी हमने फिलअप किए थे सही थे। अच्छा यहाँ पे ये इसने इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दिया, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा न्यू प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेटिंग अ वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है सब। तो अब यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट प्राइमरी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये जनाब हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप इस पर अपना सरनेम लिखेंगे, जो भी होगा आपका फर्स्ट नेम जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल सरमैन मैंने लिख दिया कलीम, मूसा, सब ऐसी। ऐसे लिख रहा हूँ मैं सब, कोई भी हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पे वो दे देंगे, ठीक है। फ़ोन आपको, फ़ोन नंबर देना है आपके कोई भी दे देना है आपको, ठीक है। और ट्रैवल डेट देनी है आपको, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, ईयर एंड मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ अराइवल देनी है, ईयर देना है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2024, और फिर क्या मंथ देना है आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल सितंबर में आ गए और डेट दे दी है 15, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इंटेंडेड डेट डिपार्चर। अब ये नॉर्मली जो है वो एक साल का अगर वर्क परमिट होता है तो आप इसके एक साल के बाद की दे सकते हैं डेट ना, 2024 और 09 और आप दे दें 10, ठीक है, ये दे सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट का डालना है, यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका, ठीक है सर, जो भी है पासपोर्ट का, फॉर एग्जांपल B89502 फॉर एग्जांपल, ये ऐसी मैं डाल रहा हूँ कोई भी चीज़। अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट टाइप ये है नहीं, आप नंबर ऑफ पासपोर्ट ये मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, खैर इसको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है ना डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग यू टू वर्क, ठीक है ना, ये इसी तरीके टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग यू वर्क, यानी वर्क परमिट का होगा जो भी, जाहिरी बात है वर्क परमिट होगा आपका, ठीक है। उसका नंबर आएगा वर्क परमिट का, यहाँ पे वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट का नंबर आएगा, जो जिस डेट को इशू हुआ है वर्क परमिट वो आएगा भाई, और कब तक का वैलिड है, नॉर्मली एक साल तक के लिए होता है, और इशूड बाय जिसने भी जो भी आपका इशूड करने वाला है वो आएगा यहाँ पे। तो फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं आप कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपॉइंटमेंट का उसको मैं आपको बता सकूँ, तो ये सारी तफसील थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आपने कुछ हासिल किया होगा, कुछ आपकी जो है परेशानी थोड़ी सी दूर हो गई होगी, और कुछ थोड़े से आप यूज़ टू हो गए होंगे फॉर्म के और किस तरीके से जो है ना इसको भरा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें आप करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बेचारे एजेंट्स वगैरह को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी खुद कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप एज स्किल्ड वर्कर जा रहे हो तो आप जो है आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है ना, आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद करें, आपकी एजुकेशन है तो आप खुद इसको करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।